अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का मज़ेदार सभी लोग करते हैं जी स्टार्ट। तो आज बहुत ही मेरे लिए खुशखबरी का दिन है क्योंकि मैं आज बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी से मिलने जा रहा हूं। तो आप दोस्तों ने दुआ करनी है कि मुझे जो है ना वो मिल जाए और बहुत ही अच्छा एक दूसरे के साथ बातचीत हो जाए। और आप दोस्तों ने दुआ करनी है कि हमारे साथ बातचीत उसकी अच्छी हो जाए और हमारी भी उसके साथ अच्छी हो जाए। तो इंशाल्लाह आपको जैसे ही आगे जाते रहेंगे तो साथ ही साथ विज़िट कराएंगे। अभी हम जाते हैं, तैयारी करते हैं, पहनाए चेंज करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं तो रेडी होके बाहर आ चुका हूँ आलमगीर के इंतज़ार में, जो मेरा शागिर्द है तो उसके साथ जाएंगे, वो भी आ रहा है। तो मोटर बाइक है, तकरीबन 6055 किलोमीटर, आलमगीर भी आ रहा है तो हम जाते हैं आगे। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, तो हम शहर क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को दुआ करनी है कि आसानी सफाई गुजर जाए। मैं घर से निकले हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, तो अभी आपको दिखाते हैं लोकेशन। मैंने मोबाइल पे ऑन किए दूसरे पे, तो इस पे 2 घंटे 27 मिनट टाइम लगेगा हमारा, 2 घंटे 27 मिनट टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही जाते जाएंगे तो आपके साथ ही साथ विज़िट कराते जाएंगे। तो अभी हम जाते हैं पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जाके जो है ना टैंकी इसकी फुल कराते हैं, फिर आगे निकलेंगे इंशाल्लाह।真的पेट्रोल की टैंकी तो हमने फुल करा दी। अब शेषा टूल प्लाजा क्रॉस करके दरिया के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह से चौक सदर शहीद के हम नज़दीक पहुंच चुके हैं, तकरीबन 30 किलोमीटर हम पीछे हैं। तो हमें भूख लगी हुई थी सुबह, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था। तो अभी जूस पीते हैं, खाने के लिए गया हुआ जूस पीते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे साथ ही है, मोटरसाइकिल गर्म हो चुका था तो स्टार्ट ही रहने दिया है, तो ज़्यादा ठंडा हो जाए। ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कराते हैं, तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि कहाँ हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मोहम्मद शहजाद और गला मुंडा के पास, जो मरूफ और मशहूर यूट्यूबर हैं। दुआ करें कि हमें मिल जाए वो, खुशी होगी इंशाल्लाह। आपको भी दिखाएंगे, से इजाज़त लेंगे कि वीडियो बनाओ, देखा तो बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह से इंतज़ार किए किस जगह पे हूँ। 1 2 3 4 चौक सरदार शहीद, मैं आया था मोहम्मद शहजाद और ज़्यादा मुंडा से मिलते हैं, पहले अभी देखते हैं। सब दोस्तों बस इंतज़ार के
पहुंचने वाले हैं। तो आज आप देखें मोहम्मद शहजाद और सलमुटा, जो वीडियो में दिखाता था कि ट्रक गिरा हुआ है, तो अभी तक यहाँ के इंतज़ामियों ने इसे हटाया नहीं। उसके घर को तकरीबन 4-5 किलोमीटर हीटर पे आपने देखा पीछे आधा 246 किलोमीटर चल चुका है। तो जिस टाइम आप निकले थे उस टाइम था तकरीबन 6,055 किलोमीटर, तो कुछ कम 200 किलोमीटर हम सफ़र जो है ना कर चुके हैं। कैसा रिएक्शन मिलता है। शहजाद भाई तो घर पे नहीं थे, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। रिजवान भाई घर पे थे तो उनसे मुलाकात हो गई है। बहुत ही प्यारी अखलाक साहब बातचीत की, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी मुलाकात होगी। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए। अच्छे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा तो दोस्तों हम रिजवान भाई से मुलाकात करके वापस जा रहे थे मुल्तान। तो रास्ते में दरिया चिनाब पर जाते जाते मैंने कहा विज़िट करा दें आप दोस्तों को मज़ार पे शाशम तबरेज की। तो फिलहाल आप दरिया का विज़िट करें, दरिया चिनाब का। माशाल्लाह ये पुल के ऊपर है दरिया चिनाब की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल। पानी बहुत कम हो गया है, मोटरसाइकिल को स्टार्ट ही रहने दिया है क्योंकि गर्म हो चुका था। माशाल्लाह से दरिया का विज़िट तो हमने कर लिया है, बस आगे चलते हैं मुल्तान। मुल्तान साहब के नज़ार पे जाएंगे, तो वहाँ जाके आपको विज़िट कराएंगे वहाँ का। तो अभी हम दरियाए रावी के पुल पे हैं। यहाँ से दरियाए रावी का कुछ सीन इस तरह से है, पानी अभी जो है ना कम हो चुका है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ ही वीडियो को एंजॉय करते रहिए। दोस्तों बगबाद शाशम्स तबरेज़ की मिसाल पे हम पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह
दे दे। माशाल्लाह से चप्पल तो हमने रख दिया। हिंद गजदली वाला सोना लगदे अली वाला सोना लगदे अली वाला सोना लगदे अली वाला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला माशाल्लाह से सलाम वगैरह तो हमने भर लिए, दुआ भी मांग लिया है जो दिली मुराद पूरी दुआ की वो अल्लाह खैर करे से पूरी करे इस मेज़ार पाक के सदके। आलमगीर चप्पलों वाले को ऐसे दे रहा है, फिर आता है चलते हैं वापस। मेज़ार के बाद का कुछ भी हो टायर जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ माशाल्लाह से, सब टायर ऐसे है। समय टायर पंचर होने की वजह से उस साइड वाला रोड था नीचे, तो गाड़ी टायर पंचर होने की वजह से नीचे गिरी है। माशाल्लाह से रिजवान भाई से मुलाकात करके वापस पहुंच चुके हैं अपने घर। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपने जैद परदेसी को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।